दसवीं और बारहवीं क्लास के तमाम तलबा को पास किया जाएगा। वज़ीर तालीम की ज़ेरे सदारत बैन-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में दो बार होंगे। आइंदा साल मैट्रिक इम्तहानात मई जून में होंगे। हुकूमती कारकर्दगी और कामयाबी को शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। शोर मचाने के बजाय हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। बेहतर हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम रही। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। पाक चीन तालुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। अफगानिस्तान में अमन पड़ोसी ममालिक के लिए खुशाइन साबित होगा। आर्मी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े, अफगान आवाम की मदद करें। तहरीक इंसाफ हुकूमत के चौथे साल का आगाज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एहतजाज के बाद इजलास से वॉकआउट कर गए। प्रेस गैलरी और मीडिया कॉर्नर की बंदिश के खिलाफ सहाफियों का भी एहतजाज। इजलास में शिरकत नहीं की। खिताब के दौरान सदर मुमलिकत ने मीडिया गैलरी की तरफ देखा तो वो खाली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, काला कानून है, पास नहीं होने देंगे। मीडिया की आज़ादी कोई छीन नहीं सकता, ना छीनने देंगे। हुकूमत ने कानून पास किया तो कुमियासा भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का धरने में ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, आवाम की आवाज़ दबाने के लिए काला कानून लाया जा रहा है, कानून मुआशी हमला है। पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे। फजल रहमान ने कहा, जहाँ बादशाहत होती है वहाँ आज़ादी सहाफत नहीं होती। सहाफियों के हकूक की जंग में साथ खड़े हैं। FIA पहले कार्रवाई करता है, बाद में कानून देखता है। कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को छोड़ देता है। सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, वाजे होना चाहिए हदूद कहां से शुरू कहां पर ख़त्म होती हैं। जस्टिस काजी अमीन ने इस्तफसार किया, मीनार पाकिस्तान वाकई के 400 मुल्जमान पकड़े जा सकते हैं तो सहाफियों पर हमले क्यों नहीं। तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। कवायद असला में 400 से जायद गैर मकामी नर्सों की तैनाती किसी भी सूरत कबूल नहीं। कवायली अरकान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक बार फिर धरना। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर राइस के आगे धरना दे दिया, नारे लगाए। निगत और अकजई और ANP के निसार मोहम्मद आपस में उलझ पड़े। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की तिब्बी टीम से इलाज पर मुशावरत। शाहिद आफरीदी ने भी जल्द अज जल्द अमरीकी वीज़ा जारी करने का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में फनकार और मदा उमर शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हैं। आपसी लड़ाई में मौत की अफवाह। मुल्ला बरादर ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, मेरे जख्मी या मौत की खबरें बेबुनियाद हैं। दुश्मन ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्ला सोले के घर से 6.5 मिलियन डॉलर बरामद। तालिबान ने तस्दीक कर दी। कहा, अपने साथ वो कितने डॉलर ले गए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गालियां खाने नहीं आया, तनकीद बर्दाश्त करूंगा, जवाब देना भी अच्छी तरह आता है। PTB के नए चेयरमैन रमीज राजा के अहदा संभालने के बाद पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 6 माह में नतीजे सामने आएंगे। T20 कप के लिए बेहतरीन टीम चुनी है। 4 से 5 मैच विनिंग खिलाड़ी हैं, जरूरत सिर्फ बैक करने की है। भारत से रवाबित बहाल नहीं होंगे। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन से बतौर बैटिंग कोच मुआहदा कर लिया। वर्नल फेडर T20 वर्ल्ड कप में कोचिंग करेंगे। और कराची में कल से 17 सितंबर तक सख्त गर्मी की पेशगोई। समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। महकमा मौसमियात का कहना है, राजस्थान और खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव मौजूद है। सिस्टम की सम्त का तायुन कल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।